नोएडा में अगर आपके पास डॉग है तो आपको अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन नोएडा अथॉरिटी में करवाना होगा। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने एक ऐप लॉन्च की है, उसके जरिए आप अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स, आई एम शिल्पी दुदेजा। आज के शो में आपको बताएंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कौन सी है ऐप, और पहले से ही दिल्ली में किस तरीके से डॉग के लिए नए रूल्स अप्लाई किए जा चुके हैं। नोएडा अथॉरिटी ने पेट डॉग्स और कैट्स को पालने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में इस रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप पर नोएडा में रहने वाले लोग अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। फिलहाल ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड फोन यूजर्स के लिए शुरू किया गया है। अथॉरिटी ने नोएडा पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर एक साल की रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपए रखी है। पेट डॉग्स और कैट्स के ऑनर्स को एवरी ईयर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना होगा। नोएडा अथॉरिटी के एरिया में जो भी पेट्स हैं, स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स, उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वन इज की ऑनलाइन इसकी पेमेंट भी हो गया है, और दूसरा जैसा अभी बताया गया, इसमें ब्रॉडली दो फीचर्स हैं। वन इज रजिस्ट्रेशन, सेकेंडली अगर कहीं पे कोई किसी को पेट, जो दूसरों के पेट हैं उससे संबंधित कोई शिकायत है तो वो कंप्लेंट लॉग भी इसमें रहेगा, और वो अगर शिकायत सही पाई जाती है तो अथॉरिटी द्वारा उसमें फ़ाइन लगाने का प्रोविज़न है। फ़ाइन वुड बी 100 रुपीज़ इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सेकेंड में 200 है एंड थर्ड में 500 रुपये है, और अगर उसके बाद भी रिकर होता है पेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका पर्पस सिर्फ जो पेट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन का, उनकी बेटर डेटाबेस मैनेजमेंट, और जो कंप्लेंट्स आती हैं उनकी बेटर मैनेजमेंट का। स्ट्रे डॉग से इसका रिलेशन नहीं है। अथॉरिटी का ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन के नाम से आ चुका है। ऐप डाउनलोड करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ऑनर को मोबाइल नंबर और नेम रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके बाद OTP के जरिए आगे बढ़ना होगा। आगे अपने पालतू जानवर की जानकारी आप ऐप पर दे पाएंगे। पेट डॉग्स और जानवरों की इन्फॉर्मेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका फोटो भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा डॉग की ब्रीड, एज, सेक्स सहित कई और जानकारी भी देनी होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस जमा हो जाएगी। दिल्ली के कई एरियाज में पहले से ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने पेट डॉग्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी किया हुआ है। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक पोर्टल भी शुरू किया हुआ है। पेट के रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में रूल्स तो हैं, लेकिन लोग इसे इग्नोर या इंटेंशनली नहीं करवाते हैं। अब कई इलाकों में ऐसे नहीं करवाने वाले लोगों पर पेनल्टी का भी प्रोविजन रखा गया है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर 500 रुपये से 50,000 रुपये तक की पेनल्टी है। नॉर्थ MCD में सिर्फ अब तक 488 लोगों ने डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करवाया है। साउथ और ईस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पेट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन ना के बराबर है। रजिस्ट्रेशन के बिना पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि रेबीज का टीका डॉग्स को लगा है या नहीं। गाजियाबाद, चंडीगढ़, जम्मू जैसे शहरों में घर में अगर डॉग रखा है तो इसके लिए भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, और इसको हर साल रिन्यू भी करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन से पहले डॉग को वैक्सीन लगवानी भी मैंडेटरी की गई है। शहरों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इतना ही नहीं, शहरों में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल है या फिर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। कैमरामैन मनीष के साथ शिल्पी डुडेजा, MBTV। प्लीज सब्सक्राइब टू मैजिक ब्रिक्स ऑन YouTube एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियोज़।